क्या आप लोगों को नहीं पता लग गया? बस वही पढ़ना था हमने, बात खत्म होगी, टॉपिक कंप्लीट हो गया आज का, बस और कुछ तो नहीं पढ़ना है। करें छुट्टी? ओके, सो दीज आर द डिविजन्स। अब मुझे लगता है ये ऑक्सफोर्ड का जो एटलस मैप है उसमें कुछ ऐसी फोटो लगी होगी इसमें, है ना? हाँ, वहां से नहीं लिए पर ऐसी है वो भी, बिल्कुल डिट्टो। अगर मैं इसको ऐसे लूं अभी, ठीक है, तो एक वर्ड लिखा होता है कई जगह, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सुना आपने कभी? इंडिया एक कॉन्टिनेंट है कि नहीं? वेदर इंडिया इज ए कॉन्टिनेंट और नॉट, इंडिया कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट बुक्स में लिखा होता है। वाई? नहीं 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 नहीं, फिजिकली अलग है ये डिवीजन। इसकी ऐसे है कि पूरे कॉन्टिनेंट से बिल्कुल सेपरेट है, इट इज सेपरेटेड बाय दीज माउंटेन चेन्स, की आपकी जो कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है दूसरे एरियाज के साथ है ही नहीं, इट्स ए सेपरेट, बिल्कुल क्लोज्ड है ये। सो इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, कि कॉन्टिनेंट के बीच में वो पार्ट जो दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मुझे बता दीजिए अगर आपको लगता है कहीं से दिस इज एंटायरली अ माउंटेन चेन, जो पुराने टाइम इट वॉज नेवर क्रॉस्ड, किए किसी ने पहले क्रॉस? सिर्फ जहां उनको पासिस मिले वहां से कोई आ सका, वो भी लेट सेंचुरीज में, स्टार्टिंग में। और अब क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वी हैव प्लेन्स, तो हम क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज इट वॉज अ बैरियर फॉर पीपल, फॉर मासेस, फॉर एनिमल्स, फॉर इवेंट्स, हर चीज के लिए बैरियर है। तो इतना जो है इट इज नॉट कनेक्टेड टू द एंटायर कॉन्टिनेंट, तो ये सेपरेट सब कॉन्टिनेंट हो गया। किस वजह से हुआ? सिर्फ उसके फिजिकल फीचर्स की वजह से। माउंटेन्स, और साउथ में आप देख लीजिए यहां पे क्या है, ओशन है, तो यहां से भी कनेक्टिविटी किसी कंट्रीज के साथ इसकी नहीं है। है आप कह दोगे है कैसे, शिप से है ना, बिना शिप के है, आप स्विमिंग करके जा सकते हैं अंडमान से या इंडोनेशिया, सऊदी अरब जा सकते हैं स्विमिंग करके? मुझे लगता नहीं जा सकते हैं, वी आर नॉट वो मेरीन क्रिएचर्स, ब्लू वेल्स की जो जो ट्रेवल कर सकते, वी आर नॉट दैट। अगर होते तो शायद हम जा सकते, फिर हमारे लगता, ठीक है। तो इसलिए इसलिए इसको कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। अब आ गया सब कॉन्टिनेंट, अब उसमें डिविजन जो कैसे करेंगे, कलर के हिसाब से देख लीजिए बस। सो दिस इज इंडिया, वो आपको पता है, ये इंडिया और तो नहीं है कुछ, है ना? इसमें दिस इज ग्रीन, सो ग्रीन है प्लेन्स, जितना ग्रीन है, ग्रीन कहां कहां पे है, ये सारा ग्रीन है। दिस एरिया इज ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हो सकते हैं, गैंजेटिक प्लेन्स हो सकते हैं, पंजाब प्लेन्स हो सकते हैं, ये हमें नहीं देखने हैं क्योंकि ये हमारे प्लेन्स नहीं है, पाकिस्तानी प्लेन है, हम पाकिस्तानी एंटी इंडियन कोई बात नहीं करेंगे यहां पे, ठीक है, क्यों बात करेंगे, गलत बात है। दूसरा जो ये पार्ट है जहां पे आप बैठे हैं, उससे आप इधर देखिए क्या है, माउंटेन्स, तो ये वही चेन है। अब ये चेन कहां तक जाती है, नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, सो ये क्या हो गया, इंडिया के नॉर्थ नॉर्दर्न माउंटेन्स, और ये इसी का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड पूर्वांचल, द ईस्टर्न बैंड ऑफ द हिमालयस, ये हो गया माउंटेन, दो हो गए। बाकी जो बचा ये येलोइश पार्ट, दिस इज प्लेटू पार्ट, हाईलैंड्स हैं, सो ये हो गया प्लेटू। बाकी कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, जो अलग फीचर्स है वो हमने फिफ्थ में ले लिए, और जो कोस्ट के कुछ अलग एरियाज हैं इनको, क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन है कुछ अलग तरीके से हुई है, क्यों हुई है, कोस्टल डिपोजिशंस, जो कोस्टल वेव्स थे उससे डिपोजिशन होके ये बने हैं, सबमर्जेंस होके प्लस अपलिफ्टमेंट होके, तो यहाँ की जो फॉर्मेशन